ऐसे दीवार हो गया और ये एक सीढ़ी है 5 मीटर सेंटीमीटर मीटर मीटर होगा लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अंदिश दीवार से दूर खींचा जा रहा है। तो अगर हम लोग ये दूरी को x सपोज कर लें, x सपोज कर लें इसको, ये O हो गया, यहाँ ए बी सीढ़ी हो गई, यहाँ पर खींचा जा रहा है मीन्स x में वृद्धि हो रही है। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t की वैल्यू गिवन है, इसको हम dx by dt भी कहते हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको आप dx upon dt भी बोल सकते हैं। ये कह रहा है कि दूर खींचा जा रहा है। इसके बाद दीवार का दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, इसको हम लोग दीवार पर इसकी ऊंचाई को x सपोज कर लें। तो अगर x सपोज करेंगे तो आपसे dh अपॉन dt की वैल्यू पूछी गई है, dh by dt किस रेट से घट रहा है, कम हो रहा है, और दिया गया है कि जबकि नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा जो है दीवार से 4 मीटर, जबकि x इज इक्वल टू 4 मीटर ये गिवन है। तो अब आप x की वैल्यू 4 मीटर है, AB की वैल्यू 5 मीटर है, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, इससे हम लोग h स्क्वायर निकाल लेंगे, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, देन h इज इक्वल टू 3, h की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पर ए बी, अगर ये लैडर है, सीढ़ी है, और इसकी वैल्यू एल है, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई एल है, जबकि 5 मीटर गिवन है ये, तो अब हमें एक्स और एच में रिलेशन लेना है। तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर एल स्क्वायर लैडर दिया हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ हमें गिवन वैल्यू जो दिया हुआ है वो है, हाँ किस तरह से घट रही है पूछा गया है, ठीक। तो एल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर एच नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आने का मतलब एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, यहाँ पर साम जब किया जाएगा टी के साथ एच अवकलन करने पर, तो यहाँ पर L कांस्टेंट है, अचर है, तो L अगर कांस्टेंट है तो L की वैल्यू यहाँ 5 फुट, क्योंकि L में कभी वृद्धि कभी नहीं होगी, L सीढ़ी की लंबाई है और सीढ़ी की लंबाई ना घटेगी ना बढ़ेगी। सीढ़ी को अगर हमें आगे खींचना है तो ऊंचाई और दीवार से इसकी दूरी वो बढ़े घटेगा तो वेरिएबल हो गया, लेकिन सीढ़ी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए वह कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो इसका एल स्क्वायर का हो गया 0, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एल स्क्वायर में तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 25 लिख सकता हूँ, 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कर दिए। जो घटना पढ़ना है, जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है वही वेरिएबल होता है, बाकी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट पुट अप कर सकते हो। अब ये टी के सापेक्ष अवकलन में 25 0 हुआ,
एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx अपॉन dt प्लस h स्क्वायर का होगा 2h dh अपॉन dt। इस कंडीशन में हमें dh by dt की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इस साइड लेके आ जाए या इसी को उधर पहुंचा दे, बात एक ही है। तो यहां से हमें h dh by dt है तो 2 रखिए, वो भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 x dx अपॉन dt मिला। 2 dh by dt is equal to माइनस 2x dx by dt, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहां से हमें dh by dt की वैल्यू मिलेगी माइनस x by h dx अपॉन dt। अब हम सारी वैल्यूज इसमें पुट अप करेंगे, तो x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 4 मीटर, ये हो गया माइनस 4। h की वैल्यू अभी हम साफ करके निकाले थे पाइथागोरस थ्योरम से, ये वैल्यू हो गई 3, एंड dx by dt भी गिवन था 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2, और इसका मात्रक भी हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर के हिसाब से चल रहा था 2 सेंटीमीटर। देखिए मात्रक में क्या है, अगर हम लोग यहां सेंटीमीटर यूज करेंगे तो 400 300 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x by h का फॉर्म है, इसलिए इसके मात्रक को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आई dh अपॉन dt। क्या हुआ, अब ध्यान दें, माइनस साइन यह इंडिकेट करेगा कि वैल्यू डिक्रीज कर रही है, घट रही है। वास्तव में माइनस केवल इसलिए आया हुआ है ताकि आप ये समझ सकें कि जो मान है वो घट रहा है, इसलिए हम लिखेंगे अपना आंसर। अतः ऊपरी सिरा 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रहा है। तो घट शब्द आप लिख देंगे तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन इसीलिए आया हुआ है ताकि आप समझ सके कि घट रहा है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, ध्यान दें, क्वेश्चन है एक लैडर है, सीढ़ी है 5 मीटर लॉन्ग, तो सीढ़ी की लंबाई में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि सीढ़ी को अगर खींच रहे होंगे तो आधार से दूरी में अंतर आएगा, ऊपरी सिरा में ऊंचाई में अंतर आएगा, लेकिन सीढ़ी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए लंबाई कांस्टेंट होगी, जिसकी वैल्यू 5 मीटर गिवन है। अब करना क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि निचले सिरे को जमीन पर हम लोग दीवार से दूर खींच रहे हैं, दूर खींचने का मतलब x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और x की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब पॉजिटिव लेना है, तो dx by dt की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार से जो h ऊंचाई पर है वो किस दर से घट रहा है, तो हम लोग यहां dh by dt की वैल्यू ले लिए, यही हमसे पूछा गया है dh by dt। अब हम x की वैल्यू यहां पर दिया है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर और 5 मीटर के बेस पर हम h की वैल्यू भी ज्ञात कर लें, पाइथागोरस प्रमेय से h की वैल्यू आ गई 3। अब हम x और h में एक रिलेशन लेंगे, रिलेशन इस प्रकार का हो जिससे कि हम उसका डिफरेंशिएशन करके dx by dt या dh by dt की वैल्यू ला सके, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम में x और h में रिलेशन ले लेंगे। तो
तो आ जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 बराबर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहां से हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और t के सापेक्ष इसका अवकलन शुरू करेंगे। तो 25 तो कांस्टेंट था, उसका 0 हो गया, x स्क्वायर का हो गया 2x dx by dt और h स्क्वायर का हो गया 2h dh by dt। अब हम लोग साफ करेंगे तो हमें dh by dt की वैल्यू चाहिए, तो इसको एक साइड छोड़ दे और इस 2x को उधर लेके चले जाए, तो 2x माइनस में हो गया माइनस 2x dx upon dt। और इस कंडीशन में x से जब डिवाइड किया जाएगा तो माइनस x by h dx by dt आ गया। अब हम इन सब की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो x की वैल्यू है 4, वो 4 रख दिए, h की वैल्यू निकाल चुके हैं 3 और dx by dt की वैल्यू है 2। मात्रक बनेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर मिला dh by dt is equal to minus 8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस साइन को हटा देना है क्योंकि वहां इंडिकेट कर दिया जाए घट रहा है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा कर लेते हैं। सिक्स्थ में क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। वृत्त की त्रिज्या को आप पहले r सपोज करें, माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। सबसे पहले मान लिया गया कि वृत्त की त्रिज्या है r सेंटीमीटर। अब हम लोग जो वैल्यू गिवन है पहले नोट कर लें, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। तो वैल्यू गिवन है त्रिज्या में परिवर्तन, dr by dt की वैल्यू दिया है, dr upon dt त्रिज्या में परिवर्तन है ये, या त्रिज्या में वृद्धि कर दिया जाए, बात एक ही है। ऑलरेडी dr by dt की वैल्यू दिए हुए हैं 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, परिधि में वृद्धि की दर पूछे हैं, तो परिधि का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे 2πr। तो लिखेंगे परिधि, वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि होगी ना, इसमें एक टॉपिक पर हटा, वृत्त की परिधि हो गई, परिधि को हम लोग पी भी कह सकते हैं, सर्कुम्फेरेंस सी भी कह सकते हैं, तो P is equal to हो गया 2πr बन गया। अब हम लोग T के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो मिलेगा T के सापेक्ष अवकलन P हो गया dP upon dt 2πi और r की वैल्यू हो गई dr by dt। अब dp by dt की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू इसमें पुट अप किया जाए, तो 2πi तो dr by dt की वैल्यू है 0.7, मात्रक इसका भी होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर मिला, इससे मल्टीप्लाई होगा 1.4πi सेंटीमीटर पर सेकंड। पॉइंट दिख नहीं रहा है, क्या हो गया, पॉइंट नहीं दिख रहा,
ये है 0.7 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया परिधि में परिवर्तन, इसका ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिवाइज करें, क्वेश्चन आसान सा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में एक्स के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए तो हम लोग डायरेक्टली एक्स के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि आपसे टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो टी के रिस्पेक्ट करना है, और यदि एक्स के सापेक्ष पूछा जाए तो एक्स के सापेक्ष ही करना है, इसका ध्यान देना है। तो लिखा हुआ है कि एक कण वक्र दिया हुआ है 6y = x³+2 के अनुगत। यह है क्वेश्चन नंबर 11। वक्र का समीकरण गिवन है, इसमें y = 6y = x³+2 यह एक वक्र है, वक्र का समीकरण दिया है, और वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। वक्र पर हमें वह बिंदु ज्ञात करना है, मान लिया जाए कि माना वक्र पर जो बिंदु है, वक्र पर जो बिंदु है वो है x, y। वक्र का इक्वेशन xy के फॉर्म में है, तो बिंदु भी हम x, y मान लेंगे, जिससे कि डायरेक्टली हम xy की वैल्यू ले सके। इसके बाद बोले हैं जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक की तुलना में जो y है, अर्थात dy जो dt है, y में परिवर्तन है, ये x की तुलना में dx/dt की तुलना में 8 गुना है, ये ध्यान देना है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं dy/dx = 8, या इसी को हम कह सकते हैं या dy/dx y में परिवर्तन x की तुलना में is also equal to 8, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर t के रिस्पेक्ट में समझ रहे हो तो t के सापेक्ष है तो y में परिवर्तन dy/dt, x में परिवर्तन dx/dt, और y का जो परिवर्तन है वो x के तुलना में 8 गुना है, यानी x में 8 से गुना कर देना है। ये वैल्यू दी है, इसी को आप इंडिकेट कर सकते हैं कि dy/dx = 8। ये दोनों बात एक ही है। हम अगर t के सापेक्ष इस वक्र का अवलोकन करेंगे तो हम इसको ले लेंगे, और यदि हम डायरेक्टली x के सापेक्ष इसका अवलोकन कर दें तो इसको ले लेंगे, बात एक ही है। चलिए नाउ हम इस क्वेश्चन को इसे हटा देते हैं और इसी को रखते हैं, और इसी के बेस पर इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे वक्र का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो वक्र का कर रहा हूं 6y का हो गया dy/dt = x³ का हो गया 3x² dx/dt + 0, 2 का हो गया 0, और यहां से हम dy/dt और dx/dt की दोनों की वैल्यू पुट अप करेंगे तो 6 dy/dt की वैल्यू है 8 dx/dt = 3x² और dx/dt को ऐसे ही छोड़ देना है। दोनों अगर वैल्यू पुट अप कर देंगे तो जब ये बदलेगा तो ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगा तो ये नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो के आया 2, और 8 × 2 = 16, x² की वैल्यू हो गई 16, देन x की वैल्यू ±4, x की वैल्यू आ गई, वक्र में रख दिया जाए
वक्र के समीकरण से, वक्र के समीकरण से, वक्र के समीकरण में 6y इज इक्वल, जब प्लस रखेंगे तो क्यूब में प्लस आएगा, जब माइनस रखेंगे तो क्यूब में माइनस आएगा। इसका मतलब प्लस माइनस दोनों ले लिया जाए और 4 का क्यूब करेंगे आएगा 64 और प्लस में लग गया है 2। यहां से 6y इज इक्वल टू, जब प्लस लेंगे लिखते हैं यहां प्लस चिन्ह, थोड़ा साफ साफ लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लिया जाएगा तो y इज इक्वल टू प्लस 64 में 2 ऐड होगा 66/6 मिलेगा 11, और जब हम लोग माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर 6y निकाल दें तो y की वैल्यू -64 से 2 माइनस हो गया 62, देन y इज इक्वल टू 2.6 है, कैंसिल कर लेंगे इसको तो आएगा 31/3। अतः बिंदु मिल गया, बिंदु ज्ञात करना था आपको, तो बिंदु में जब प्लस चिन्ह लिए हैं यानी 4 आया 11, या जब माइनस चिन्ह लेंगे तो -4 -31/3, ये दोनों हो सकता है, या तो 4, 11 होगा या तो -4, -31/3, ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में आपसे साफ साफ बोला हुआ था कि y में परिवर्तन x के परिवर्तन की तुलना में 8 गुना है, मतलब x के परिवर्तन से 8 गुना है, तो x का परिवर्तन है dx/dt, इसमें जब 8 से गुणा कर दिए तो 8 गुना हो गया कौन dy/dt, और इसको सॉल्व कर लेना है, आसान सा क्वेश्चन भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो लिखा हुआ है उसको आप डायरेक्ट x के सापेक्ष ही उसका अवकलन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 वहां साफ साफ लिखे हैं कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, व्यास दिया हुआ है 3/2 2x+1, परिवर्तनशील का मतलब बदलने वाला, तो कहा गया x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, तो x के सापेक्ष का मतलब हो गया कि आपको x के सापेक्ष ही अवकलन करना है और व्यास दिया हुआ है तो इसके आधार पे आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या हो जाएगी 3/4 2x+1, भाई व्यास 3/2 है तो त्रिज्या 3/4 होगी, 3/4 2x+1, और आयतन का फार्मूला यूज करना है 4/3 πr³, गोले के आयतन का फार्मूला 4/3 πr³, और r के स्थान पर रखना है 3/4 2x+1, पूरे का होल क्यूब होगा और x के सापेक्ष इसका अवकलन होना है, यही आपका आंसर बनेगा। ऐसे ही 14th क्वेश्चन भी है, भाई मैं सर 14th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, 13th आप लोग सॉल्व कर लेते, ठीक है। गोले का सेंस गोला है बेटा, गोले का आयतन 4/3 πr³, कभी भी हवा का गोला कह दे, पानी का गोला जो भी है, गोला होता है और गोले का आयतन 4/3 πr³ ही यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14th में कह रहे हैं कि एक पाइप से, ऐसे पतला सा पाइप होगा और इसे रेत नीचे गिरा रहे हैं, और जो रेत गिरेगी वो इस तरह का शंक्वाकार आकृति में बन जाएगी, ऐसे रेत गिर रही है, ये रेत है, और यहाँ जब इकट्ठा होगा
तो आधार में चौड़ा होता जाएगा और ऊपर नुकीला पार्ट होता चला जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बोले हैं कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से, ये रेत दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मात्रक को देख के भी आप समझ जाएंगे कि रेत के आयतन में परिवर्तन है। ये रेत इस रफ्तार से गिर रहा है, मींस dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। रेत का आयतन यदि हम लोग 20 सेंटीमीटर क्यूब सपोज किए हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो dv / dt की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसके बाद गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, नीचे शंकु बनाया हूं मैं, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। अगर हम रेत की ऊंचाई को h सपोज करें, आधार की त्रिज्या को r सपोज करें, तो जो h है वह r का छठा भाग है। मींस मान लिया जाए, यहां लिख देंगे, माना शंकु के आधार की त्रिज्या आ तथा ऊंचाई h है। तो आपके प्रश्न में बोला है कि जो h है वह 1/6 है r का, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सदैव आधार की जो त्रिज्या का छठा भाग है वो ऊंचाई है। मींस r इज इक्वल टू आ गया 6h, इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे पूछा गया है कि रेत से बने शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, इसका मतलब आपसे पूछा गया है dh / dt इज इक्वल टू 1। dh / dt की वैल्यू आपसे पूछा गया है और इसके लिए हमें एक ऐसा संबंध बनाना होगा जहां पर आयतन और ऊंचाई बचे, त्रिज्या को उससे हटा दें। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन होगा वही रेत का आयतन होगा, क्योंकि रेत के आयतन से ही शंकु बन रहा है। लोग यार अचानक खाए काम ना किया करो। शंकु का आयतन और रेत, क्योंकि रेत से ही शंकु बन रहा है, जितना रेत गिरेगा उतना ही शंकु बनेगा, इसलिए दोनों का आयतन सेम होगा। तो शंकु का आयतन बराबर, चाहे तो लिख लिया जाए, रेत का आयतन और रेत के आयतन का फार्मूला वही जो शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर आपको यह ध्यान देना है, अगर कहता कि त्रिज्या में परिवर्तन, तो यहाँ h को गायब कर देते और r का फॉर्म रख लेते, और पूछा गया है h में परिवर्तन, इसलिए r को गायब कर देना है और h के फॉर्म में रख लेना है। ये हो गया v इज इक्वल टू, ये v है 1/3 पाई, r की वैल्यू है 6h, ये हो जाएगा 36h स्क्वायर इनटू h, ये हमने वैल्यू पुट किया है r की, और अब 3 से 36 कैंसिल होके 12 हुआ, मींस मिला 12 पाई h क्यूब। ये हम लोग आयतन निकाल लिए, और लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष यहां अवकलन होगा और मिलेगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 पाई इनटू h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। और यहां पर dh / dt की वैल्यू पूछा गया है और बाकी सारे वैल्यू ज्ञात है, इसलिए dv / dt की वैल्यू आपको पता है 12 इज इक्वल टू 12 पाई इनटू 3h। तो h की वैल्यू यहां पर
h का मान दिया होगा, देखिए उसमें ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो h की वैल्यू हो गई 4 स्क्वायर और dh / dt हमें ज्ञात करना है। 12 कैंसिल हुआ, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 into 3 48, 1 upon 48 pi, ये वैल्यू हो गई dh upon dt। अब आप मात्रक किसका हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि h है, पाई की वैल्यू चाहे रख लें और चाहे छोड़ दें, ये वैल्यू हो गई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही आंसर बनेगा, यदि पाई का आंसर रखा होगा तो पाई का रख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। और